आई एम बिंदिया राना, फोकल पर्सन एंड सिंस प्रेजिडेंट एंड जिया। जैसा कि आपको मालूम है कि 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट के काम आए थे ख्वाजा सराओ के फ्री एजुकेशन, 2% कोटा, तादाद, आईडी कार्ड और वगैरह वगैरह, उससे पहले ही हम लोग कोई 15 साल पहले ही कोई हम लोग काम कर रहे थे। और फिर 2009 में हमने इदारा रजिस्टर करवाया। जब हम लोग शुरू में काम में निकले तो हमें बड़े मुश्किल दरपेश आ रही थी। तो मुख्तलिफ इदारे थे, औरतों के, बच्चों के, मजदूरों के, अच्छी बातें होने चाहिए बेवाओं के, मगर जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वो बोले थे नहीं, हम ख्वाजा सराओं के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जी, हम तो आपके साथ कोई तआमुन नहीं कर सकते। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं एक अपना ही इदारा बनाऊँगी और वो इदारा सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए नहीं, सब के लिए होगा। आई मेट बिंदिया बिकॉज माई डॉटर वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग अ डॉक्यूमेंट्री एंड she wanted to meet a khwaja sira, and we got a connection to Bindiya and discovered that she had amazing potential. She really was a very powerful speaker and most convincing. दो से आप जो काम कर रहे हैं लोग, तो वो एक बड़ा काम किया आपने, बेड़ा उठाया और फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करना, भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। फिर गवर्नमेंट के साथ काम करना, देखें जो गवर्नमेंट के साथ एंटर ही नहीं होने देते हैं लोगों को, उसमें जिया अंदर आए, फोकल पर्सन बनी सोशल वेलफेयर की, वो अलग बात है कि मसाइल तो हर जगह बहुत हैं और उस मसाइल में इन जैसी खातून ही कड़ी रह सकती है, आम औरतों के बस की बात नहीं है। और ये वैफ की मेंबर फिर तो ये हम कहते थे भाई बिंदिया आ गई, अब किसी को बोलने नहीं देंगे। बिंदिया तो हर इशू पे बोलती हैं, वो किसी को चांस ही नहीं देती। इसका मतलब यह है कि इतनी नॉलेज है वो पुलिस स्टेशन से लेके, और जो और ट्रांसजेंडर की रात दिन मदद करती हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट का कर रही हैं या एक डिपार्टमेंट का। ख्वाजा सराओं को जब भी मसला होता है, आधी रात को भी मैं उनके साथ जाता हूँ, बिंदिया के साथ, जो मसला भी हो उसको हम हैंडल करते हैं, ठीक है। और जो इनके हॉस्पिटल में भी मसला होता है वो भी हम क्लियर करवाते हैं मेरे लिंक्स हैं आगे, ठीक है। इनको खून चाहिए हो या कुछ भी हो, आधी रात को कोई मसला भी हो जाए चुनाव में इनके पीछे जाते हैं हम लोग। मुझे ये एहसास हासिल है कि जब बिंदिया राणा ने ये ट्रांसजेंडर्स की मूवमेंट का आगाज़ किया एट आर ओन, तो मैं इनका वॉलेंट्रीली खुद लॉयर बन गया। इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी एंड शी वाज इन द मिडल ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, जस्टिस चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, सरमद जलाल उस्मानी साहब की डीबी थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे एंड व्हेन शी वाज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन क्वेश्चंस जो लीगल थे, तो आई स्टूड अप माई सेल्फ और मैंने बताया जज साहब को कि आई विल रिप्रेजेंट दैम। उसके बाद फिर हमने उस वक्त से जो मूवमेंट शुरू की, तो उसी वक्त फिर इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने ये 100 मोटो एक्शन भी ले लिया और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई जो ट्रांसजेंडर्स को इस मुल्क में पहले हासिल नहीं थी। मसलन शनाख्ती कार्ड इनके बनने शुरू हुए, पासपोर्ट बनने शुरू हुए। I met Bindiya about 10 years ago when I was making a film on Bindiya. From the beginning she talked a lot about wanting to do something larger. She wanted to talk about societal change and impact. She talked a lot about the limitations of khwaja sira identity in Pakistan, just issues that the community was facing, and you could sort of see it in her conversations with the people that she was a guru to. She pushed the people around her a lot, and it was really, really powerful to witness that. We made this film together, and while we made the film, you know, Bindiya called me out throughout the process on lots of things, for instance, like how I framed the image or how I asked her questions, and that was really, really important and obviously a gift. And I sort of see Bindiya in general as a gift. I think of her as being someone that steps outside of herself and really impacting the community at large. I've seen Bindiya take part in activism. She became a member of, or she came to WAF meetings, to Women's Action Forum meetings, because she believed that if the government doesn't listen to what women require and doesn't do anything for them, what will they do for me
or for us. Acha ek jo aham pehlu hai jia ke hawale se wo bada interesting ye hai ki ek to organizations banti hain jo particularly apni community pe focused hoke kaam karti hain, lekin ye ek aisi transgender organization hai jo khawateen ko ke huqooq ke hawale se bhi kaam karti hai, jisme wo khawateen ki jo bunyadi zaruriyat hai unko protect karne ke liye, fulfill karne ke liye mukhtalif idaron aur mukhtalif afraad ki madad hasil karke wo unki bunyadi zaruriyat ko bhi pura karti hai. She went around from place to place. She went to Balochistan on her own to talk to people over there, to talk to the women over there, and to meet them. The other thing that she did was to provide medication to those who needed it. She also provided food and money for people, collected that, raised that money, and went from place to place on somebody's scooter, which was very enterprising of her. There were no doctors there, but she got hold of a compounder with whom she traveled to far-off places to help people. She saw the kind of problems that they had, medical problems. She came back to ask for raising money for medication. Somebody helped us and actually donated the medicines, and Bindiya carried those medicines all the way back again. One thing that was rather touching when she was telling her story, she said, I went to this place and they were in need, and at that time I had nothing, and I had this one chain which somebody had gifted me. And she said, I went back, sold the chain and bought food with that, and went back to the family to give it to them. रिपोर्ट नहीं काट रहे थे, ये बस ऐसी ऐसे लग रहा था कि कोई इनकी जाति किसी बेटी का साथ मसला हो गया है. अरे उसको क्यों जेल में डाल दिया, अरे उसको निकालें. और वो सबको समझा रही थी, जो लॉयर खातून थी ना हमारी वाइफ की, वो भी बेचारी हैरान हो गई. हाँ जी, ये कह तो सही रही हैं, तो भाई तुम मतलब ये लॉयर भी हैं, अगर जब तक कि वो निकल नहीं गई. दो मीटिंगों में तो मैंने देखा इतना लड़ी है कि आखिरकार उज़्मा और अनीस और सब हार गए, और ये दूसरी मीटिंग में लेते हैं भाई वो अब रहा हो गए. सब ने तसल्ली का सांस लिया क्योंकि ये चैन से नहीं रहते और दिन रात फोन करते हैं. We talked a lot about discrimination and violence and how trans women were being killed at exorbitant rates both locally and internationally, and how that was immensely painful for her. Oh, they agreed to a third gender, adding a third gender in all forms for employment, which was an amazing, amazing achievement, really. And unfortunately, what happened with that was they were told that they will need to get themselves checked whether they really are a third gender, or whether they are khwaja siras or not. And that angered her a lot, but her argument was so potent and so good. She said, do you get yourself, when you say that you're a man, do you have to get a certificate to say that you're a man? Why do I need to do that? And when a woman claims that she's a woman, she is a woman, and you accept her. Does she get a certification from the court to qualify her? And I think she won her argument. And eventually they dropped that that requirement. I have called her for an exhibition at Karachi University and School of Tomorrow when they decided to include transgenders, which was a lot of by trying to get them to include that. And the schools were saying, no, we can't have transgenders at our conference. I said, I know this girl, let's call her. And they called her, and then she suggested a few other people who also came. And she was remarkable. I mean, at every conference, at every step that we took, all the teachers, all the students, they all fell in love with her. They thought that she spoke really very honestly. She has a viewpoint which she wouldn't back out of. And I think it was good to see that teachers and students were actually much more involved in this. But the teachers were very difficult normally to think in terms of khwaja sira being, you know, brought to class or brought to school. This was an operation where there were 2,000, 3,000 people in these conferences. And all the teachers thought that this was not only necessary, but the largest groups that we've had now
have said that we would like khwaja siras to be teachers at these schools, to come and talk to us about their problems, about gender inequality, and all sorts of other things that they talked about, mainly because of Bindiya and a couple of later editions. Jia ne jab election mein hissa liya, wo bahut marka tha ek bada. Aur ye tanha thi, waise to jamaatein bade bade paise kharch karti hain. Unhone jis tarah se muhim apni election ki chalai, aur jo inko mujhe yakeen hai jo inko masail ka samna hua hoga, kyunki us zamane mein main aurat foundation mein women jo political parties ki thi, उनके इलेक्शन के ऊपर हम बात करते थे, आवाज़ उठाते थे. तो मैं ये सोचती थी कि जब एक आम औरत इतने मसाइल का शिकार होती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ट्रांसजेंडर की बिंदिया ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया. और वो कह रही है नहीं भाई, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे. उस ज़माने में वेलफेयर का काम तो कर ही रही थी, लेकिन ये फिर इलेक्शन लड़ने का भी इन्होंने बाद में इरादा किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक खुशगवार हैरत और एक तसल्ली की बात भी थी कि इन्होंने इतनी हिम्मत की मर्दों के इस माशरे में, जहाँ हम सब डरते हैं और सियासत से वैसे ही अच्छे अच्छे डरते हैं, लेकिन बिंदिया ने बहुत हिम्मत की, इलेक्शन लड़ा. इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर टू कंटेस्ट अगेंस्ट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हु वाज आल्सो कंटेस्टिंग ऑन द सेम सीट. बट आई थिंक आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड रियली एडमायर बिंदिया फॉर कमिंग आउट एंड अपोजिंग हिम. And she didn't back out, and she stood in the 2013 elections and for the provincial assembly, even though she lost. But I think just the fact that she came forward was a big step. And then, उसके बाद मैंने देखा नीशा एक से हमारी दोस्ती हुई, इनके साथ आई थी वो, जो उन्होंने बातें बताई तो मैंने कहा भाई ये तो काबिले इज्जत और एहतराम है बिंदिया, कि इन्होंने अपनी साथी साथियों को इतनी स्पेस दी कि उसमें इतना शऊर आया कि वो पढ़ रही है. और पहली लॉयर खातून होंगी जिनको हमने कहा है कि वो कमीशन की मेंबर भी होंगी. मेरा नाम निशा राव है और मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा लॉ की स्टूडेंट हूँ. मैं SM लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं जिया में एज ए ट्रेजरार काम कर रही हूँ. मैंने ये लॉ का शोबा इसलिए ज्वाइन किया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख्वाजा सराओं पे बढ़ता हुआ तशद्दुद है, मैं उसके खिलाफ खुद अपने ख्वाजा सराओं के लिए आवाज़ बनूँ. माई ड्रीम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ जज. मुजाहिरों में ये खड़ी हो जाती हैं जाके, भाई नारे लगवा लो इनसे, जब तक मसला हल नहीं होगा ये कहती हम हटेंगे ही नहीं. तो और इनके पीछे ये नहीं कि 10-5 हमारी NGO वाली तो 5 खड़ी हो जाए तो समझते हैं बहुत बड़ा मुजाहरा हो गया. इनकी तो जेन्युइनली भरी पड़ी होती है सड़क, सब आ जाते हैं एक कॉल पे इनकी, तो ज़रा लोग इनसे ज़रा डरते भी हैं. तो बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने इतने लंबे अरसे से ये चला रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, और अब उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि एक आवाज़ कोई इनको देता है तो ये सामने खड़ी हो जाती हैं और उसकी फौरी मदद करती हैं. एंड देन रिसेंटली व्हेन देयर वाज द बिल फॉर द ट्रांसजेंडर्स व्हिच वाज अंडर डिस्कशन, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू नो देयर वाज डिस्कशन ऑन ट्रांसजेंडर्स एंड देयर राइट्स एंड देयर नीड्स. एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल ऑफ पीपल लाइक बिंदिया एंड अदर्स हु हैव ब्रॉट दिस थिंग फॉरवर्ड. मैं बिंदिया राणा को इसका सेहरा देता हूँ, इसका एजाज देता हूँ कि इस मुल्क में बिंदिया राणा ने वो बात जो सब लोग करना चाह रहे थे लेकिन कोई कर नहीं पा रहा था, बिंदिया राणा ने अपना करज करके बोल्ड तरीके पे उस बात को उठाया और हम सब ने इसको रजाकाराना तौर पर सपोर्ट किया. और आज अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में जो भी ख्वाजा सरा हैं उनको राइट्स मिल गए हैं, मिल रहे हैं. शी बीन लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स फॉर ख्वाजा सरास. She doesn't believe that this is their lot in life, that they should continue to just beg, and that is not what she would like people to do. ये चाह रही है कि ये जो यूनिक्स हैं इनको ये गदागरी की लानत से भी निजात दिलाई जाए, तो उसके लिए ये बहुत कोशिश कर रही है. बिंदिया राणा की पूरी कोशिश है कि उनको इस काम से हटाए और उनको बाकायदा नौकरियाँ दिलवाए ताकि वो इज्जत तौर पर अपना रोजगार कमा सकें. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फौज़ियान और मैं यहीं रहती हूँ, मैं ये बिलावर उस इलाके में मांगती हूँ.
हम यहाँ बिलाड हाउस के करीब मांगती हैं। पहले हमें लोग रोडों पे मांगते थे तो तंग करते थे, हम रोड पे नहीं खड़े हो सकते थे। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं तो इंडिया का, तो फिर हम यहाँ बिलाड हाउस जैसी जगह पे मांगते हैं और जल्द से जल्द हमें नौकरियाँ मिलेंगी, ये हमारा ख्वाब है और बिंदिया राणा जी ने कदम उठाया है और हमें ये भीख मांगने से भी छुटकारा मिलेगा इंशाल्लाह। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज ख्वाजा सराओं के पासवर्ड भी बनते हैं, आईडी कार्ड भी बनते हैं और जो हमारी तीसरी खिड़की की लड़ाई है वो भी कई किसी जगह पे होगी है और किसी जगह पे नहीं हुई तो हो जाएगी। और मैं समझती हूँ कि जो मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाजा सरा उठेगा सुबह सवेरे, हाथ मुंह धोएगा और अपने जॉब पे जाएगा, वो ख्वाब मेरा बहुत जल्द पूरा होने वाला है।